हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना खजाना किचन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मकई के आटे से बनकर तैयार होने वाले हलवे की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप घी। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए, घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप मकई का आटा। आटा हमें हल्का सा दरदरा लेना है, जैसा रवा होता है ना, बिल्कुल उस तरह का मकई का आटा हमें लेना है। और अब हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनेंगे, वरना हमारा आटा जो है जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा और एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा आटा। तो आप देख सकते होंगे कि हमारा आटा जो है हल्का फ्लफ़ी हो गया है और इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं, यानी कि हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस इतना ही भुनेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने लिया है 1/2 कप शक्कर। हमने 1/2 कप आटा लिया था, तो 1/2 कप शक्कर डालेंगे और 1 कप पानी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, जितना आटा रहेगा उसका डबल पानी यूज़ करेंगे। तो हमने 1/2 कप आटा लिया था, तो 1 कप पानी यूज़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाते हैं। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारा हलवा छोड़ने लगा है। देखिए, घी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही टेस्टी सा हलवा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच ड्राई फ्रूट। मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का सा दरदरा सा कूट लिया, इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। बस इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डाला है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे सर्व कर लिया है। हमारा मकई के आटे का हलवा बनकर तैयार है। मैंने इसे पिस्ता से गार्निश किया है। फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना टेस्टी। तो देखिए, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत ही जल्दी आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।